हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं जॉब टेक चैनल और आज हम बात करेंगे जीरोधा के बारे में। जीरोधा ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने जीरोधा ऐप्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जीरोधा का ओपन कर लिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जीरोधा में सबसे पहला ऑप्शन आता है वॉच लिस्ट। ठीक है फ्रेंड, नीचे कॉर्नर में सबसे पहला ऑप्शन वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में फ्रेंड आपको स्टॉक रखने के लिए 5 वॉच लिस्ट मिल जाता है, जिसमें फ्रेंड्स आप अपने आवश्यकता अनुसार स्टॉक सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च बार मिल जाता है, यहाँ से आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं और ये प्लस बटन पे क्लिक करके इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, एक वॉच लिस्ट में आप 50 स्टॉक ऐड कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। जैसे कि वॉच लिस्ट वन में आपने बैंक का स्टॉक, सारे बैंक का स्टॉक ऐड कर लिया। वॉच लिस्ट टू में आपने मेडिसिन के सारे स्टॉक ऐड कर लिए। वॉच लिस्ट थ्री में आपने टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल कोई भी स्टॉक ऐड कर लिया, तो आप अपने इच्छा अनुसार पांचों वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नीचे अपने सेकंड ऑप्शन ऑर्डर्स पे। फ्रेंड्स, ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक पेंडिंग का और एक एग्जीक्यूटेड। पेंडिंग फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी शेयर बाई किया हुआ है और सेल करना चाहते हैं, आपने उसको सेल कर दिया है या आपने बाई किया है, अगर आपका वो शेयर कंप्लीट बाई या सेल नहीं हुआ है तो वो आपको पेंडिंग में शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने कोई भी अपने शेयर को सेल किया है, अगर वो कम्प्लीटली सेल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो आपका एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर वो जैसे मान लीजिए आपने 20 शेयर ख़रीदे हैं और आपका 10 शेयर मान लीजिए सेल हो गया है और 10 शेयर पेंडिंग में है, तो फ्रेंड जो सेल हो चुका है वो आपका एग्जीक्यूटेड में शो होगा और जो नहीं सेल हुआ है वो आपका पेंडिंग में शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा ऑप्शन है गुड डील ट्रिगर, इसके विषय फ्रेंड्स हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑर्डर के बाद हमारा अगला ऑप्शन है पोर्टफोलियो। ठीक है फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो में अगर आपने जो भी शेयर खरीद रखा है, जिस भी स्टॉक का शेयर खरीद रखा है, अगर आप उसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप उसे आज के आज ही बेचना चाहते हैं, तो वो आपका पोजिशनल में शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने जो शेयर ख़रीद रखा है, मान लीजिए आप उसको कल बेचना चाहते हैं, परसों बेचना चाहते हैं, या आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको ख़रीद रखा है, भविष्य में कभी सेल करेंगे, तो आपका होल्डिंग में शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला ऑप्शन है एप्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन है एप्स। एप्स में फ्रेंड्स ये आपको एक्सप्लोर, ये आपको जीरोधा की तरफ एप्स रिकमेंड किए जाते हैं। आप इसको चाहे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहीं से आप इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और माई एप्स, आपने जो भी एप्स जीरोधा से इंस्टॉल कर रखा है या एक्सप्लोर से जो भी एप्स आपने इंस्टॉल कर रखा है, वो आपका माई एप्स में शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला हमारा ऑप्शन है ये आइकन। यहाँ ठीक है फ्रेंड्स, इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा ये सारे सेटिंग शो होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, इसके अगला वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा ईमेल आईडी है और ये यहाँ पे आप चाहे तो अपना फ़ोटो ला सकते हैं। ये फंड्स है फ्रेंड, इक्विटी और कमोडिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इक्विटी में ये आपका एड फंड्स यहाँ से करके फ्रेंड्स आप अपना यहाँ पे बैलेंस एड कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में,
और विड्रा करके यहाँ से आप अपना अकाउंट पे बैलेंस को सेंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका है कि आपने पहली बार कितना लिया और पेइंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और वीव स्टेटमेंट है, यहाँ से फ्रेंड्स आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। कमोडिटी में भी सेम है फ्रेंड्स। अगला हमारा है प्रोफाइल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपना प्रोफाइल लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सेटिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेटिंग है, ये आप अपने स्क्रीन को डार्क और लाइट कर सकते हैं, ये फुल स्क्रीन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, ये सारा ऑप्शन है फ्रेंड्स। ये बाकी ये सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।